देश में गणेश महोत्सव की धूम है। यूपी के उन्नाव जिले की जेल में बंद कैदियों ने पहली बार गणेश उत्सव मनाया है। जेल में ही भगवान गणेश के इस महोत्सव के मौके पर उनकी मूर्ति स्थापित की थी। यहां मूर्ति की पूजा भी कैदी ही करते हैं, आरती भी कैदी ही करते हैं और कैदियों ने मिलकर ही गणपति जी का पंडाल भी सजाया था। आपको बता दें कि आज गणेश महोत्सव के अंतिम दिन जिला जेल में रखी गई गणेश प्रतिमा का बंदी भक्तों ने जेल के अंदर ही विसर्जन कर गणेश महोत्सव का समापन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धर्म संस्कृति के जोर देने के चलते सरकार और प्रशासन के आदेश पर उन्नाव जिला जेल में पहली बार गणपति बप्पा मोरिया अगली बरस तू जल्दी आना के जय घोष के नारों के साथ बंदी कैदी झूमते नजर आए। जिला कारागार में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया था, मूर्ति विसर्जन की गई है, कैसा क्या रहा? कारागार मंत्री माननीय धर्मवीर प्रजापति तथा डीजी सर के निर्देशन में कारागारों में निमित्त बंदियों के धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए कार्रवाई और प्रोग्राम कराए जाने के निर्देश आदेश प्रदान किए गए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला कारागार उन्नाव में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। दिनांक 31/8/2022 को अस्पताल वार्ड जेड के अंदर अस्पताल वार्ड में गणेश की मूर्ति का स्थापना की गई तथा मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस बीच बंदीगण बहुत अधिक उत्साह से प्रतिदिन पूजा अर्चना किए और विशेष रूप से अस्पताल वार्ड में होने के कारण वहाँ के जो अस्वस्थ बंदी भी थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पूजा अर्चना में भाग लिया और उनके स्वास्थ्य में और उनके सोचने समझने में बेहतर सुधार देखा गया। शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार बंदियों के बीच बंदियों को व्यस्त रखने के लिए तथा उनके धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए निरंतर कारागार में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जिला कारागार उन्नाव में पहली बार गणेशोत्सव का आयोजन किया गया, जो बहुत ही उल्लास के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ बंदियों के द्वारा मनाया गया।